हम बांगे फेरी की ओर जा रहे हैं, 12 किलोमीटर का ट्रैक है, तो इंशाल्लाह ये 2 घंटे में तय होगा। इंशाल्लाह सही सलामत हम लोग। हमने तय कर लिया है, तकरीबन 1.5 घंटे में हमने 4 किलोमीटर का फैसला तय किया है। तो यहाँ से जो बंगस वैली है तकरीबन 9 किलोमीटर दूर है, तो मिलते हैं बंगस वैली में। तकरीबन हमने 8 किलोमीटर का जो फैसला है वो तय किया है। अभी जो हमारा जो गाइड है वो कह रहा था कि अभी हमें अगर हमें इसी रास्ता से चलेंगे तो तकरीबन 1 घंटा हमें बंगस वैली तक लगेगा। तो मिलते हैं बंगस वैली में। शौकत साहब, आपका क्या बताना है इस बारे में कि यहाँ पहुँच के आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पहुँच के हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है जब से हम केएफ के आए हैं सबसे पहली बार हमें कुछ देखने को मिला है। रास्ते में दुश्वारियाँ बहुत तो आई, लेकिन अल्टीमेट इट्स जस्ट अनइमेजिनेबल, वी कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। थैंक यू सर, थैंक यू।
साहब आप बताइए हमें कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पहुँच के। हम अभी लश्कर पहुँचे हैं बंगस से कम मुझे लगता है 10 से 12 किलोमीटर होंगे ये। हमें बहुत मतलब थकावट भी हो रही है, आपको कैसा लग रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हमने कल एक प्रोग्राम किया था कि हम बंगस वैली जाएंगे, लेकिन यहाँ आने का कोई प्रोग्राम नहीं था। तो रात को हमने किश्तवाड़ में ही स्टे किया है और सुबह 8:45 बजे हम वहाँ से निकले और बंगस वैली हम पहुँचे हैं 1 बजे। वहाँ हमने लंच किया। हमारे दिल ने चाहा कि हम इस मैदान को भी देखेंगे, क्योंकि ये जो मैदान है बहुत ही अच्छा मैदान है। यहाँ पे इस मैदान के पीछे LOC है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये LOC है। इस LOC के पीछे जो पहाड़ी आपको नज़र आएगी अभी, वो पाकिस्तान की पहाड़ी है। बहुत ही अच्छा मैदान है जो ये लश्कर मैदान है, बहुत ही अच्छा मैदान है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो घास वगैरह वो मेडिसिनल प्लांट्स भी है। हमने यहाँ पे बहुत ही इन्जॉय किया। जो भी हमारे दोस्त थे यहाँ पे, 7-8 बंदे थे, सबों ने अच्छे तरीके से सफ़र किया और सबों ने अच्छा साथ दिया और हम अच्छा महसूस फील कर रहे हैं। हाँ, तो आप यंग जनरेशन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे इस सुपार्ट के बारे में, यहाँ की ब्यूटी के बारे में? यंग जनरेशन को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए, इन जगहों को आप एक्सप्लोर करें। ये बहुत अच्छी जगह हैं। आप जाते हो किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको ऐसा टूरिज्म नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे आए और इस जगह को एक्सप्लोर करें। आप देख लीजिए कि ये नेचुरल ब्यूटी जो है, अल्लाह ताला ने इसको कितना खूबसूरत बनाया है। ये पहाड़ों के बीच में ये वादी जो आपको नज़र आती है, कितना बहुत बड़ा मैदान है। अगर यही मैदान हम किसी शहर में बनाएंगे, हमें करोड़ों में अरबों में पैसे खर्च होंगे। अल्लाह ताला ने ये फिज़ा बनाई, अल्लाह ताला ने ये मैदान बनाया, कितना खूबसूरत मैदान है। किसी किस्म का डिस्टर्बेंस यहाँ पे नहीं है। आपको